So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 3 of our IUPAC nomenclature in the series of Complete Organic Chemistry for JEE Advanced 2024, 25 and so on. Okay, so I will tell you that we are Complete Organic Chemistry here. जिसमें हमने दो लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर दिए हैं YouTube पर, और ये जो कोर्स है ये एक पेड कोर्स है जो आपको हमारे ऐप में अवेलेबल होगा। और अगर ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बिकॉज अभी 15% डिस्काउंट कोर्स पर चल रहा है एंड ये 2-3 दिन और लास्ट करेगा, ठीक है? तो आप उसको अभी अवेल कर सकते हो। वैसे भी प्राइजेस मैंने काफ़ी लो रखे हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो बहुत ही अलग लेवल की होंगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी तो खैर शुरुआत किया हमने, सिर्फ नॉमेनक्लेचर है तो उसमें बहुत कुछ पढ़ाने का है नहीं, कुछ थोड़े बड़े रूल्स हैं। लेकिन जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी स्टार्ट होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपको लगेगा कि यार कुछ अलग ही लेवल पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। जब आप स्पेसिफिक रिएक्शंस को पढ़ोगे आपको खुद ही फील होगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मज़ा आता है पढ़ाने में, मज़ा आता है पढ़ने में भी, मज़ा आता है अगर बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा हो तो, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट आपका बरकरार रहेगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। और ऐप पे ही आपको टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक्स, आपको जो भी है वो आपको ऐप में ही प्रोवाइड होंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है कोर्स परचेज तो आप कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जिन बच्चों के भी जेई मेंस, अभी 2023 वाले बच्चे जो है उनके जो जेई मेंस अगर हो चुके हैं तो उन्हें इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज जो हमारी है यूट्यूब वाली, नहीं जो हमने पेड कोर्स बनाया है वो भी ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ हमने थ्रू आउट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कम्प्लीटली किए हुए हैं। आपको अगर कंफ्यूजन है मैं क्या करूं अभी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ वो मेरे 15 लेक्चर्स कर लो। मैं ऐसे किसी भी चीज़ को आके रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है? रिकमेंड कर रहा हूं तो बहुत काम की चीज़ है, आप वो अभी कर सकते हैं। अराउंड 200+ स्टूडेंट्स ने वो कोर्स लिया है अभी तक फिलहाल, ठीक है? तो उनको सभी को बहुत बेनिफिट उससे हुआ है, दे शेयर देयर फीडबैक विथ अस, तो उसमें हमें समझ में आता है। और होगा भी यार, इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है उन चीज़ों को कि बेनिफिट आपके बेनिफिट के लिए ही चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है? कि उससे कुछ फ़ायदा हो, कुछ आउटपुट निकले, तभी उस चीज़ को कराया जा रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई फालतू की चीज़ लेकर मैं आता भी, ठीक है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे कह रहे थे सर अभी 23 के लिए कुछ करा दो, तो भाई हड़बड़ी में नहीं हो पाएगा, है ना? दैट्स वाई आई नीड सम टाइम कि भाई 3-4 महीने, कम से कम 4 महीने मुझे चाहिए, तो उसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक करेंगे जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3। तो बेटा याद करो लेक्चर 2 में हमने क्या किया था। हमने ये देखा था कि एक जो नेम होता है आईयूपीएसी नेम, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मैंने कहा था अभी नहीं करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप एक साथ करेंगे, उनको अभी छोड़ देते हैं। प्राइमरी सफिक्स तो एन इन वाइन थे, वर्ड रूट पता था, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, साइक्लो था, स्पाइरो बाईसाइक्लो यूज होता है बट उसकी नेमिंग सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज चर्चा हमें करनी है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसके लिए हम यूज़ करते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आज की क्लास में हमारा जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत अच्छे से ख़त्म करें। हमने पेरेंट चेन सिलेक्शन भी सीखा था फॉर सिंपल एल्केन्स, फॉर सिंपल एल्केन्स हमने पेरेंट चेन सिलेक्शन सीखा था। और आज हमें थोड़ा नंबरिंग पे चर्चा करनी है, और साथ ही साथ ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स या जो साइड चेन है उसकी नेमिंग कैसे की जाती है उस पे भी हमें डिस्कशन करना है। सो लेट अस बिगिन विद इट। सो देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले मैं आज कराता हूं आपको कि सब्स्टिट्यूएंट्स
ये जो साइड चेन होते हैं, साइड चेन की नेमिंग कैसे की जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, कुछ एक दो आए थे हमारे पास, तो मिथाइल बताया था आपको मैंने, इथाइल बताया था। इस तरह से साइड चेन की नेमिंग हम आज करना पहले सीखते हैं, फिर नंबरिंग पे आएंगे। तो नंबरिंग के लिए मैंने आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल बता दिया था, साथ में ये भी बता दिया था कि उसको यूज कैसे करते हैं प्रॉपरली। तो साइड चेन नेमिंग बेटा कुछ इस तरह से करी जाती है कि इसमें ना हमेशा सफिक्स यूज करना, हमेशा सफिक्स यूज करना, क्या वाइल, मतलब ये वाइल सफिक्स जो है ये इस चीज की पहचान है कि ये जो पोर्शन है जिसका आप नामकरण कर रहे हो, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तो ये वाइल शब्द किस चीज की निशानी है, ये वाइल शब्द इस चीज की निशानी है कि जिस चीज की आप नेमिंग कर रहे हो वो चीज पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। देखो ये सब बातें हैं, इसको मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं हर चीज को लिखूं ये संभव नहीं है, और मैं थोड़ा इस मामले में आलसी हूं तो मैं हर चीजों को लिखता नहीं हूं, वो आप देख सकते हैं, इतना मैनेज आप बिल्कुल कर सकते हैं, और नोट्स एक्चुअली ऐसे ही बनाया जाता है। सो सफिक्स वाइल यूज करेंगे, तो चलो सबसे सिंपल से शुरू करता हूं बेटा। जैसे CH3 तो आप बोलोगे मिथाइल, तो ये CH3 किससे लगा हुआ है, प्रिंसिपल चेन, यहां मैं PC लिख दे रहा हूं, PC मतलब मेरा कोई प्रिंसिपल चेन है उससे ये लगा हुआ है, तो आप इसको कह रहे हैं मिथाइल। इसी तरह से आप ऐसे देखिए, PC प्रिंसिपल चेन, इससे लगा हुआ है CH2CH3, क्या बोलोगे इसे, ये दो कार्बन है तो एथ, और सिंस ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, वाइल यूज करते हैं। इसी तरह से देखिए PC पेरेंट चेन, यहां पर लगा हुआ कार्बन CH, यहां पर एक ब्रांचिंग, यहां पर एक ब्रांचिंग। अब इससे घबराने वाली बात नहीं है कि अरे सर ब्रांचिंग का भी ब्रांचिंग, तो देखो सीधे से आप समझो, आपको बस इसको नॉर्मली जैसे अभी अपन नेम कर रहे थे ना पीछे पिछली क्लास में, वैसे ही करना है, बस जो आप वहां पर एन इन वाइन ऐसा यूज करते थे अभी यहां क्या यूज कर लेना है, वाइल यूज कर लेना है। देखो और एक चीज मैं बताऊं, यहां पर एक रूल यहां और एड होता है कि अब यहां पर आपने ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है। तो रूल लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, कि जब अपन ये साइड चेन की नेमिंग कर रहे होते तो जो सा कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पेरेंट चेन इज नंबर्ड वन, इट इज नंबर्ड वन। फर्क नहीं पड़ता कि चेन बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट नंबर्ड वन, इसको नंबर वन दिया जाता है। नाउ तो ये वन है, ये टू है, तो आप क्या बोलेंगे, वन पे लगा मिथाइल, बहुत आसान है यार, आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा, वन पे लगा मिथाइल और ये जो है क्या इथेन बोलेंगे, नहीं भाई ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो वन मिथाइल इथाइल ऐसा बोल, वन मिथाइल इथाइल। हाँ इसे कुछ और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आइसोप्रोपाइल, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, वो मैं बता रहा हूँ अभी आगे चल के कि वो सब चीजों को कब यूज करना है, अभी फिलहाल नॉर्मली नंबरिंग के साथ चीजों को करते हैं फिर उस पर भी आएंगे। जैसे कि सपोज करो ये आपका पेरेंट चेन है और इसमें कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है CH CH3 CH2 CH3, इसको मैं आगे चल के सेक ब्यूटाइल भी बोलूंगा, इसे मैं आइसोप्रोपाइल बोलूंगा, बट अभी फिलहाल ये थोड़े रूल्स के साथ स्टिक करते हैं पर। तो ये चार कार्बन की साइड चेन है लेकिन नंबरिंग तो इसको नंबर वन देंगे, अब सर इसे टू दें या इसे टू दें, हाँ अब कोशिश करो लॉन्गेस्ट चेन की है ना, अब कोशिश करो लॉन्गेस्ट चेन की, तो ये टू ये थ्री, ये टू ये थ्री, तो ये तुम्हारे पास बन के आ रहा है, तो क्या बोलोगे इसे, वन मिथाइल और ये क्या है, ये है प्रोपाइल, सिंपल एकदम सिंपल, वन मिथाइल और ये है प्रोपाइल।
ऐसा। ओके, कुछ और मैं बताता हूं। ये देखो, अगर डबल बॉन्डेड है तब क्या करें? ये हो गई तुम्हारी पेरेंट चेन, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसा है तब क्या करें? ये हुई पेरेंट चेन, सी एच या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये सब मान लो आपके साइड चेन में लगे हुए, तो इसके लिए क्या करोगे? इथीन है ना ये, तो आप इथीन का इस तरह से यूज करो, इथीन इथीन ही बोलो इसे, बट क्या लगा दो? हाँ, वाई इन लगाना देखो जरूरी है यहां पर, बिकॉज नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि डबल बॉन्ड है या नहीं। तो इसके लिए वी विल यूज इथीन, एंड इथीन के बाद वाई, इथीन वाई, ठीक है, या इथेनाइल आप बोल लो। और इसके लिए क्या करोगे बेटा? ये इथाइन है तो इथाइन, और उसमें लगा हुआ है वाई, तो ये सिंपल इथाइनाइल, ऐसा बोल सकते हैं आप। देन वन मोर, यू हैव अ पेरेंट चेन आउट हियर एंड हियर यू हैव सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एंड सी एच थ्री एंड दिस वन। तो अगेन जस्ट नंबर दिस वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, सो यू विल राइट इट एज वन मिथाइल एंड दिस इज प्रॉप इन वाइल, ऐसा हो गया, वन मिथाइल प्रॉप इन वाइल। ये साइड चेन्स के हम नेमिंग कर रहे हैं। अब एक मैं एक नया चीज इसमें और बताता हूं आपको। अभी देखो आप, जितने भी प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड साइड चेन थे ये सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे, ये भी सिंगल कनेक्टेड, कनेक्टेड तो सिंगल बॉन्ड से ही थे ना, इसमें डबल बॉन्ड था वो बात अलग है, कनेक्टेड वो सिंगल बॉन्ड से ही थे, यहां भी वो कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से थे, कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से थे, लेकिन मान लो अगर वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तब क्या होगा? जी हाँ, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तब क्या होगा? देखो, सो व्हेन, ऐसा लिख लो, व्हेन साइड चेन इज कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, जब वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तब आप क्या टर्म यूज करते हो? तब जो आपका प्रिफिक्स होता है ना, सॉरी सफिक्स, जो आप वहां पे वाइल यूज कर रहे थे सिर्फ, अब आप वहां पर वाइलिन यूज करोगे, ठीक है? तो जो प्रिफिक्स यहां पर हम सिर्फ वाइल लिख रहे थे ना यहाँ पे, सॉरी मैं गलती से बेटा प्रिफिक्स बोल दे रहा हूं, सफिक्स बोलना चाहिए मुझे। तो यहां जो सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी वाइलिन, या फिर एक और यूज होता है दैट इज वाइलडीन, हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, या तो वाइलिन या तो वाइलडीन, बोथ कैन बी यूज्ड। मतलब अगर मानो आपकी प्रिंसिपल चेन है कुछ ऐसी और इससे लगा हुआ सी एच टू इस तरह से लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? तो एक कार्बन है तो मेथ, और सिंस ये साइड चेन है तो क्या बोलोगे? मिथाइलीन, ऐसा बोलोगे, या फिर क्या बोल सकते हो? एक कार्बन है तो मिथ, और फिर वाइलिडीन, ऐसा भी बोल सकते हो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मिथाइलिडीन। जैसे अब मैं आपसे एक इसी तरह से एक नेमिंग कराऊं, एक सिंपल सी नेमिंग कराऊं जहां पर मैं इसे बाहर रख के देखता हूं। देखो देखो, अब सिंपल ये सब ना समझ में आना चाहिए आपको। अगर आपके पास ऐसी कोई स्पीसीज है तो आपने पहले क्या कोशिश करना है? पेरेंट चेन सिलेक्शन, और पेरेंट चेन सिलेक्शन में आपने लॉन्गेस्ट चेन पे फोकस करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे तो यही नजर आ रही है, 1 2 3 4 5। देखो आप चाह के भी सभी डबल बॉन्डेड कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं ले सकते, कहीं से नहीं ले सकते, और आप ये वाली चेन और ये वाली चेन में आपने लॉन्गर चेन को प्रेफर किया, सीधी सी बात है, आपने लॉन्गर चेन को प्रेफर किया, ये वाली लॉन्गर चेन को प्रेफर किया। तो अब यहां पर अगर मैं, अब यहां
अगर मैं इसने मैंने इसे सिलेक्ट किया है, सो देन व्हाट विल बी द नेम? तो बेटा देखो सिंपल, वो उसी से शुरू करते हैं ना, किससे? वो स्केलेटन से। तो सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है? तो वर्ड रूट है सर पांच कार्बन है, तो पेंट, ठीक है। उसके बाद आओ इधर, इधर आओ प्राइमरी सफिक्स में इन एन वाइन यूज होता है, मैं भी बता दे रहा हूं कैसे यूज करना है। सिंस यहां पे डबल बॉन्ड्स हैं तो इन यूज करोगे, ठीक है सर, इन यूज करेंगे। अब इन में भी सर ये तो नंबर वन नंबर टू दोनों है इन, ये भी वन टू दोनों इन है, तो कौन सा इन यूज करते हैं? छोटे नंबर को यूज करते हैं। अभी तक आप ये कॉमन सेंस से भी समझ पा रहे होगे अपने, है ना, कि ऑब्वियसली यार यही ना करेंगे, इसी तरह से तो रूल डिजाइन है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं कि आप इधर वन बोलेंगे इन के लिए, और इधर फोर फाइव में आप इन के लिए क्या बोलेंगे? फाइव नहीं बोलेंगे, छोटा नंबर मतलब आप फोर बोलेंगे। तो व्हाट शुड बी द नेम? इट शुड बी फाइव, सॉरी पेंट, और वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर। अभी मैं आपको ये चीजें भी लिखा दूंगा कि नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं, और नंबर्स को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करते हैं। ये भी लिख लेना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं यार। एंड देन हाइफन, और अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? इन। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, जब भी कोई सेम टाइप का ग्रुप दो बार तीन बार इस तरह से यूज होता है, तब उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं। तो सिंस यहां आप देखिए डबल बॉन्ड दो बार यूज हुआ है, तो वी शुड नॉट राइट इट लाइक वन फोर इन, वी शुड राइट इट लाइक वन फोर डाई इन, लाइक दिस। तो पेंट वन फोर डाई इन, पेंट वन फोर डाई इन। अब यहां पर मैं एक चीज और यूज करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा, सुनना, ये भी छोटा रूल है, इसको भी साथ में लिखते जाओ, इसको भी साथ में लिखते जाओ। देखो वैसे तो हम पेंट यूज करते हैं, जैसे मान लो कहीं ऐसा होता पेंट वन इन, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, पेंट वन इन। नॉर्मली अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो आप पेंट वन इन इस तरह से लिखते हो, लेकिन अगर यहां इन के पहले डाई ट्राई ऐसा आ गया तो पेंट ना लिख के हम पेंटा लिखते हैं, ए लगा देते हैं। क्यों लगा रहे? रूल है, बस ये रूल है। क्यों बनाया गया ऐसा रूल? इसीलिए बनाया गया है ताकि एक एक नाम के दो स्ट्रक्चर ना बन जाए। हमको और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये रूल बना क्यों, नहीं लगाना है। तो ध्यान से समझे, जब इस तरह का नॉर्मली एल्कीन की बात होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, और जब जब यहां पर डाई इन ट्राई इन होता है तो पेंटा ब्यूटा डाई इन ऐसा लिखते, ब्यूटा डाई इन, वन थ्री ब्यूटा डाई इन, पेंटा वन फोर डाई इन, या वन फोर को सामने भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वन फोर को सामने भी लिख सकते हैं, वन फोर पेंटा डाई इन। तो कुछ इस तरह की चीजें, धीरे धीरे सब चीजें आराम से डेवलप हो जाएंगी। तो जब हमने इसको इस तरह से लिखा, अब बेटा बात आती है किसकी? अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की, अब बात आती है प्राइमरी प्राइमरी प्रेफिक्स की। तो प्राइमरी प्रेफिक्स क्या है? प्राइमरी प्रेफिक्स यहां पर क्या है? तो प्राइमरी प्रेफिक्स तो सर साइक्लो होता है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। आ जाओ सेकेंडरी प्रेफिक्स में आ जाओ। तो ये साइड चेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्रांच है, ये ब्रांच है, हाँ सर। तो सर अगर ये ब्रांच है तो ये तो डबली बॉन्डेड कनेक्टेड है ना, डबली बॉन्डेड कनेक्टेड है, तो क्या यूज करेंगे? हाँ मिथाइलिडीन या मिथाइलीन, लेकिन कौन से नंबर से कनेक्टेड है? तीन नंबर से कनेक्टेड है, तो बोलूंगा तीन नंबर पे लगा हुआ है मिथाइलीन या मिथाइलिडीन। सो द करेक्ट नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल शुड बी थ्री मिथाइलीन या थ्री मिथाइलिडीन पेंटा वन फोर डाई इन, दिस शुड बी द नेम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल मैंने पेरेंट चेन ही सिलेक्ट किया है, और साइड चेन की आपको थोड़ी बहुत नंबरिंग बताई है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए
कुछ और टर्म्स यूज होते हैं कभी कभी साइड चेन के लिए, तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो उनकी बात करते हैं। सम अदर टर्म्स, क्या टर्म्स यूज होते हैं? आपने ये सुना होगा, अगर आपने ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत कहीं देखी है इधर उधर की, तो एलाइलिक, दूसरा बेंजाइलिक, तीसरा विनाइलिक, चौथा जेमिनल, पांचवा विसिनल, सिक्स्थ आइजो, सेवेंथ सेक, एट सेक के बाद आप यूज कर लो टर्ट, नाइन्थ नियो। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अभी देख लेते हैं एक बार कि कब इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, एलाइलिक क्या है, आप लिखते जाएं कॉपी में। एलाइलिक क्या है? sp2 के बाजू वाला sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, ठीक है? sp2 के बाजू वाला sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, दैट्स इट। बेंजाइलिक, बेंजीन के साथ लगा हुआ, बेंजीन के साथ लगा हुआ sp3 कार्बन, बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, ठीक है? विनाइलिक क्या है सर? विनाइलिक क्या है? विनाइलिक क्या है? तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख रहा है आपको? सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर कुछ ये वैकेंसी है, इस कार्बन पर कुछ वैकेंसी है, इस कार्बन पर कुछ वैकेंसी है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कि ये विनाइलिक कार्बन है, इसे विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। sp2 के बाजू वाला sp3 उसे एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। देन जेमिनल, अच्छा ये जेमिनल वर्ड कहाँ यूज होता है सर? सर ये जेमिनल क्या है? तो देखो बेटा, जेमिनल और विसिनल एक तरह के हैं, जेमिनल और विसिनल थोड़े एक तरह के हैं। सपोज करो कोई फंक्शनल ग्रुप है, छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, जैसे अल्कोहल सभी जानते हैं, बच्चे 10th में पढ़ते हैं, OH मतलब अल्कोहल। तो सपोज करो बेटा तुम्हारे पास ऐसा और ऐसा है कार्बन है, और एक ही कार्बन पर अगर दो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लगे हुए, या कोई भी दो ग्रुप्स एक तरह से लगे हुए कुछ इस तरह से एक ही कार्बन पर, तो हम इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेमिनल टाइप ऑफ कंपाउंड, जेमिनल डाईऑल बोल देंगे इस केस में। इस केस में हम इसे जेमिनल डाईऑल बोल देंगे बिकॉज एल्कोहल के लिए वी यूज ऑल, तो जेमिनल डाईऑल, सिंपल सी बात। विसिनल कब बोलेंगे सर? यही चीज जब आजू बाजू होगी, ये कार्बन इसमें OH इसमें OH, तो उसको विसिनल बोल देंगे। सीधी सी भाषा है बेटा, एकदम सीधी सी बात। तो विसिनल में लिख लो कि जब आजू बाजू दो ग्रुप्स लगे होंगे तब हम उसे विसिनल कहेंगे। जेमिनल डन, विनाइलिक डन, बेंजाइलिक डन, एलाइलिक डन। विसिनल सर एग्जाम्पल थोड़ा बना दो, टाइम पास कर दो। तो हाँ ये लो CC ऐसा, और यहां पर OH लगा है और एक यहां पर OH लगा है, ठीक है? ये ऐसा OH ऐसा OH, ये विसिनल हो गया। अब इस पे आते हैं बेटा, ये चारों को थोड़ा देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अलग पेज यूज कर लेते हैं, इतनी शर्म कर लेता हूं मैं। चलो आइजो, तो आइजो मतलब कि एक ग्रुप है, वो ग्रुप अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप उसको आइजो नाम दे सकते हैं। क्या ग्रुप है? ध्यान से सुने, देखिए CH CH3 CH3 डैश, यहां वैकेंसी है तो इसे आप आइजो नाम देते हैं। अगर ये ग्रुप आपको किसी साइड चेन में दिख रहा है, ये ग्रुप अगर आपको किसी साइड चेन में दिख रहा है तो आप इसे आइजो नाम देते हैं। कैसे देते हैं सर? क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं बेटा आइजो, और टोटल कार्बन गिनो, कोई यहां लॉन्ग चेन या पेरेंट चेन, स्ट्रेट चेन, या फिर ये नंबरिंग वंबरिंग का लफड़ा नहीं है यहां कुछ, ठीक है? आपने देखा टोटल तीन कार्बन है और ऐसा ग्रुप दिख रहा है, एक कार्बन पर दो मिथाइल इस तरह से दिख रहा है, एक कार्बन पर दो मिथाइल और ऐसा है, तो वी कैन कॉल इट आइसोप्रोपाइल। अच्छा सर,
तो सर ये क्या हुआ, CH2 खाली, CH यहां पर CH3, यहां पर CH3। सर यहां पे भी तो मुझे ये ग्रुप दिख रहा है। जी हाँ, तो इसे आप कहेंगे आइसोब्यूटाइल, इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल। अच्छा सर, तो यहां भी मुझे ये ग्रुप दिख रहा है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, CH2 कुछ ऐसा, इसे क्या कहूंगा, यहां भी तो ये ग्रुप दिख रहा है, यहां भी ये ग्रुप दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो ना, कोई टेंशन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, 2, 5, तो क्या बोलोगे, आइसोपेंटाइल। इसी तरह से आइसो हेक्साइल होता है, इसी तरह से आइसो हेप्टाइल होता है, बट आइसो ऑक्टाइल जो है ना वो एक एक्सेप्शनल केस है। बता देता हूं आपको, लिख लें आप इस आइसो टर्म का एक्सेप्शन। क्यों ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बस, हो गया इसका क्या, क्यों ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शनल केस। थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन में इस चीज को मैं समझा सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऑक्टेन नंबर वगैरह पढ़ेंगे, बट ऑल दो फिर भी वो कोई अच्छा पक्का एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन। तो आइसो ऑक्टाइल के लिए हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, CH3 CH3। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि बाकी के जो 5 कार्बन है सब सीधे चेन में होंगे, बट एक्चुअली में ये इस तरह से रहेगा, CH2 कार्बन, CH3 CH3 एंड CH2 स्लैश, कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर आइसो टर्म, आइसो के लिए ये एक्सेप्शनल हो गया। तो आई होप आपको आइसो टर्म भी अच्छे से समझ आ गया होगा, उस ग्रुप पे बस फोकस कर। सेक, अब देखो सेक जो है ना वो नाम से समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी की बात कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब बेटा 2 डिग्री, 2 डिग्री आपको बताया ही गया था, सुनना ध्यान से, लिख लेना इसको भी, सेक मतलब 2 डिग्री। क्या बताया गया था कि जो कार्बन है जिसमें वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसी है मतलब जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये जो वैकेंसी हम बना रहे हैं ना जहां भी, जैसे यहां वैकेंसी बना दिया मैंने मान लो, फिर पीछे इधर आइसोप्रोपाइल में यहां वैकेंसी बना दिया, यहां जो वैकेंसी बना दिया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल चेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आप ऐसा सोच सकते हो। या अगर उसकी जगह हाइड्रोजन ही लगा दोगे, या उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दोगे तब क्या बन जाएगा नाम, आइसोपेंटेन हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन ही लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आइसोप्रोपेन हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन लगा दो तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, एज सिंपल, ठीक है। तो सेक मतलब 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 2 डिग्री का क्या मतलब है, देखो आप ऐसा समझे, 2 डिग्री आपको पहले लेक्चर में ही समझा दिए थे। तो CH CH CH2 CH3 and a CH3 and this carbon is connected to the principal chain, suppose now just look at that carbon atom, this carbon atom. So this carbon atom, can we use the term iso for this substituent? Can we use the term iso for this substituent? No, because इसमें कहीं ऐसा group तो है ही नहीं, तो हम iso word use नहीं करेंगे। क्या use करें, हाँ, जो carbon connected है वो secondary है, वो क्या है, वो secondary है, मतलब 2 degree है, तो 2 degree है तो हम उसके लिए sec टर्म का यूज करेंगे। सर ये क्या बात हुई, सर यहां भी तो 2 डिग्री था, हाँ 2 डिग्री था, लेकिन वो स्पेशल केस था, जहां 2 मिथाइल है तो आइसो बोलेंगे, 2 डिग्री था मैं मानता हूं, बट 2 मिथाइल है तो आइसो बोलेंगे। इसी तरह से नियम बना है, इसी तरह से नियम बना है यहां भी, तो यहां पर आप क्या कहेंगे इसको, क्या नंबरिंग वंबरिंग करेंगे, इफ यू विश टू यूज दिस टर्म सेक, क्या आप इसकी नंबरिंग करेंगे, नहीं, आपको सीधे लिख देना है क्या, सेक ब्यूटाइल आपको सीधे लिख देना है, अंडरस्टूड है ये, सेक ब्यूटाइल लिखना सीधा अंडरस्टूड है। अभी छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स का भी एग्जांपल लेके मैं ये सब चीजों को आपको एक बार समझा दूंगा, तो और अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएंगे सब ये जो साइड चेन्स वाली बातें, और नंबरिंग वंबरिंग और अच्छे से हो जाएगा। वो देखो
तो सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल लिख दिए, तो सर थोड़ा सेक पेंटाइल बताओ ना कैसे लिखना है। तो यहां पर एक आता है क्वेश्चन मार्क कि सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल ये सब यूज करना ठीक भी है या नहीं। और मैं कहूंगा इसी वजह से, जो भी वजह मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो सेक वर्ड है ना इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। दिस इज द रीजन व्हाट व्हाई आई फील कि इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बिकॉज देखो सेक पेंटाइल, अब आपको प्रिंसिपल चेन से कनेक्ट करना है एक सेकेंडरी कार्बन। अब आपको टोटल पांच कार्बन है, पांच कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से संभव है। एक आप CH3 ऐसे कर दो और इधर तीन कार्बन बना दो, 1 2 3, ये लो तीन कार्बन बना दो, 1 2 3, 1 2 3। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इधर आप प्रिंसिपल चेन लो और CH करके 1 2 1 2 ऐसे बना दो। तो जब मैं बोलूंगा सेक पेंटाइल तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये ठीक है या ये ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये ठीक है कि ये ठीक है। एंड दिस द रीजन व्हाई वी ऑफन डोंट यूज दिस वर्ड सेक विथ पेंटाइल विथ हेक्साइल, इनके लिए सेक टर्म यूज नहीं होता है, दिस इज नॉट यूज्ड। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। सर यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे क्या करोगे, ये तो टेम्पररी टर्म्स है यार, आपके पास IUPAC वाली नंबरिंग वाली रूल तो है ना, वो तो हमेशा बिल्कुल काम करेगी, एकदम लॉजिकल है वो। तो कैसे करोगे देखो, कैसे करोगे, जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है नंबर वन दोगे, फिर नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर ऐसा दिया, फिर क्या बोलोगे, वन पे मिथाइल और क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइल, यस, वन वन के बाद हाइफन मिथाइल, मिथाइल और ब्यूटाइल, वन मिथाइल ब्यूटाइल, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो यहां पर वन पे इथाइल, वन पर इथाइल, और ये आया प्रोपाइल, ये आया प्रोपाइल। अब यहां पर देखो ये आया प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, देखिए अल्फाबेटिकली अगर कहीं फंसता है इन दोनों का कंपैरिजन तो आपका वन इथाइल प्रोपाइल पहले आएगा, एम और ई के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। देखो बेटा, साइड चेन पे इतनी गहरी डिस्कशन आपने शायद ही कभी की होगी कि आप, तो एक क्लास बनता है ऐसा कि साइड चेन पे थोड़ी गहरी डिस्कशन हो जाए ताकि ये सब जो टर्म्स हैं आपको आने वाले समय में परेशान ना करें। अभी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है GOC से। हाँ, अगर आप आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ रहे हैं तो, पहले पढ़ रहे हैं तो आइसोमेरिज्म से, खासकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। तो यहां पर बेटा सेक हो गया, ठीक है सेक। टर्ट की बात करूं, टर्ट भी बेटा नाम से समझ आ रहा है, क्या है क्या है क्या है क्या है, जी हाँ टर्शरी है, टर्शरी। तो लेट अस यूज द टर्म टर्ट, 3 डिग्री। अगेन कैसे लिखूंगा, सपोज करो ये कार्बन है, प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, CH3 CH3 CH3, आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री है, आपको दिख रहा है। अब यहां पे आइजो से मत रिलेट करना कि सर आइजो जैसा तो दिख रहा है, नहीं, आइजो सिर्फ वही है, स्पेसिफिकली CH CH3 CH3, आइजो सिर्फ वही है स्पेसिफिकली। यहां पर अगर आप देखें प्रिंसिपल चेन के साथ जब ये कनेक्टेड है तो इसे सेक भी नहीं बोल सकते, आइजो भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोल दें, हाँ टर्ट बोल, टर्ट ब्यूटाइल बोल देना, ठीक है टर्ट ब्यूटाइल। अब प्रिंसिपल चेन जो भी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, साइड चेन की नेम टर्ट ब्यूटाइल है। सर IUPAC के हिसाब से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, वन वन। अभी एक अच्छा रूल और बता रहा हूं, इसको भी साइड में लिखना, फिर इनको मैं एक जगह एकत्रित करके लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना यार, ठीक है आप समझिए। तो जब आप इस तरह से यहां लिख रहे हैं, एक टर्ट ब्यूटाइल लिखे, फिर इसके बाद आपने इसको नंबर किया वन, इसको नंबर किया टू, ध्यान से सुनना, ये वन टू, अब यहां भी ब्रांचिंग नजर आ रही है, यहां भी ब्रांचिंग नजर आ रही है, मतलब इसको ना ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को जहां ब्रांच में, ये खुद एक ब्रांच है, ये खुद एक प्रिंसिपल चेन का तो ब्रांच ही है,
और जब ब्रांच में भी ब्रांच हो तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और इनकी नंबरिंग आप नेमिंग तो कर लोगे, 1, 2 है तो आप बोलोगे 1, 1 डाइमिथाइल, देखो डाय वर्ड यूज होगा, अभी पीछे बताया था जैसे एल्कीन भी दो बार आया था तो डाय ट्राई ऐसा यूज किए थे, तो 1, 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और इथाइल। अब यहां पर मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, हो सके तो वहीं लिख भी लेना, आगे डिक्टेट करूंगा बट अभी वहीं लिख लेना बेटा, छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कर रहे होगे, जैसे यहां पर हमने कंपेयर किया तो यहां हमने इसका एम टेस्ट किया, यहां इसका ई टेस्ट किया, एम टेस्ट किया, यहां ई टेस्ट किया, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे सवाल बन के आ सकता है, इवन जेई एडवांस पे भी आ सकता है। तो ये एम और ई टेस्ट किया, हो गया। लेकिन जब ये डाई ट्राई ऐसी चीजें लग जाती हैं तो क्या इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना है या फिर यहां से शुरू करना है? क्या इन्हें यूज करना है या फिर यहां से शुरू करना है? तो सुनो मेरी बात, ये जो डाई ट्राई होता है ये जनरली दे आर नॉट कंसिडर्ड, जनरली दे आर नॉट कंसिडर्ड, दे आर नॉट कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये जनरली तो इनको कंसिडर नहीं किया जाता, बट जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किसी और सब्स्टिट्यूएंट से कंपेयर करना है, कंपैरिजन समझ रहे हो किसी किसके बीच में हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंपेयर करना है, तब आपको इस डाई को भी यूज करना पड़ता है। जब ये डाई ट्राई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, लिख दे रहा हूं, व्हेन डाई ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन दे आर considered, they are considered while determining alphabetical order, while determining alphabetical order। केसेस आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा, although ये छोटे मोटे रूल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे भी, ठीक है। तो ये टर्ट की बात हुई। अच्छा सर, टर्ट पेंटाइल हो सकता है? हाँ हो सकता है, टर्ट पेंटाइल हो सकता है। कैसे? सी देन CH2 CH3, फिर क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है, जहां पर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाए वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब CH2 CH3 यहां लगाओ एक ही बात, ठीक है। सो दिस इज टर्ट पेंटाइल पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। कहाँ तक हो गई चीजें? ये हुआ भाई आइसोसेक टर्ट। अब आता है कौन? नियो, ठीक है। जो कुछ नहीं है वो नियो है, सीधी बात। नियो के लिए भी एक ग्रुप है, देख लीजिए, जैसे आइसो के लिए ग्रुप था बेटा, वैसे ही नियो के लिए भी फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, ये ज्यादा परेशान नहीं करता। नियो, जब आपको कुछ ऐसा ग्रुप देखने को मिले, CH2 यहां पे वैकेंसी, मतलब प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ, CH2 C CH3 CH3 and CH3, स्पेसिफिकली मुझे यही ग्रुप चाहिए और कुछ नहीं, स्पेसिफिकली यही ग्रुप। तो आप देखो, क्या आप इसे आइसो बोल सकते हो? आंसर है नहीं। कैसे बोलेंगे? आइसो नहीं बोल सकते। क्या आप इसको सेक बोल सकते हो? नहीं सर, सेक नहीं बोल सकते, ये कार्बन तो प्राइमरी है। क्या इसे टर्ट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि टर्ट में वो कार्बन टर्शरी होना चाहिए जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हो, यहां पर तो ये कार्बन टर्शरी है ना, तो टर्ट भी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे सर इसे?
जी हाँ, तो इसे नियो बोलेंगे। तो ये हुआ बेटा, अगर जब आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, एटलीस्ट आपको 5 कार्बन चाहिए ही जब आपको नियो टर्म डिफाइन करना है। सो दिस इज नियो पेंटाइल, दिस इज नियो पेंटाइल। आप नियो हेक्साइल भी बना सकते हैं, नियो हेक्साइल भी बना सकते हैं, नियो हेप्टाइल भी बना सकते हैं, दोस थिंग्स कैन बी मेड। और ये सब टर्म्स ना बहुत, जब कार्बन वार्बन बड़े हो जाते हैं, जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाए, तब हम यूज़ नहीं करते, उसमें अपन को थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज नियो पेंटाइल, कम से कम 5 कार्बन चाहिए। तो अब चलो देखो, मैं इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके कुछ छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ करता हूँ पहले, ठीक है। जैसे अल्कोहल, आपको पता होगा अल्कोहल OH होता है, और क्या, और चलो मैं क्लोराइड यूज़ कर लेता हूँ, क्लोराइड यूज़ कर लेता हूँ, और एल्डिहाइड वगैरह भी है यूज़ करने लायक, बट चलो अभी वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको बाद में देखेंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ बेटा, कुछ नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आप इन साइड वालों को यूज़ करिए। जैसे मैंने लिखा बेंजाइलिक एल्कोहल, फिर मैंने लिखा एलाइल एल्कोहल, फिर थर्ड मैंने लिखा नियोपेंटाइल अल्कोहल। एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बहुत इजीली आप एक बार फिर से बना के देख लीजिए, बेंजाइलिक कुछ इस तरह से, और यहां पर CH2, इसमें लगा OH, बेंजाइलिक। एलाइल देखो, जनरली तो एलाइलिक पोजीशन जो होता है ना, वो sp2 के बाजू वाले sp3 को बोलते हैं। अब एलाइल लिख दिया हुआ है तो बहुत अच्छे से ऐसे क्लियर नहीं होता कि आप कितनी बड़ी कार्बन की चेन है, लेकिन मैं सबसे छोटा वाला कार्बन बना दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे एलाइलिक पोजीशन ऐसा क्लियर नहीं होता कि एलाइलिक पोजीशन मतलब कि 3 कार्बन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हुआ एलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ अल्कोहल। नियोपेंटाइल, अभी हमने बनाया नियोपेंटाइल, बना लो फिर से नियोपेंटाइल CH2। ये यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर 3 डिग्री यहाँ पर CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर लगा OH, नियोपेंटाइल। टर्ड ब्यूटाइल कैसे, कार्बन, जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है वो कार्बन ही टर्शरी होना चाहिए, वो कार्बन ही टर्शरी होना चाहिए। देन कम्स आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विल बी लाइक CH, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ये वो आइसोप्रोपाइल, लगा दिया क्लोराइड, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल ग्रुप आप समझ चुके हैं, CH एंड सेक ब्यूटाइल की एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं, एंड देन दिस इज CL, सो दिस इज सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। Now we are done with the naming of substituents. Side chain की naming हम सीख चुके हैं, इससे ज्यादा और इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और secondary prefixes मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, कुछ और ऐसे functional groups हैं, ध्यान से सुनना। There are some functional groups you can say which are not ट्रू फंक्शनल ग्रुप्स एज पर द IUPAC रूल्स, बिकॉज दे आर नेवर गिवन सेकेंडरी सफिक्स, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया था ना, वो बहुत ऊंचे लोगों का काम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सफिक्स बनाया ही नहीं गया है, उनको हमेशा थोड़ी हीन भावना के साथ देखा जाता है, उनको हमेशा बोला जाता है कि भाई तुम प्रीफिक्स में ही लगो तो ज्यादा अच्छा है,
तुम्हारी जो हैसियत है वो सब्स्टिट्यूएंट वाली है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम सेकेंडरी सफिक्स बन जाओ। तो ऐसे भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चलो अब हमारी बारी है उनको लिखने की। तो एक बार मैं ब्रीफ करता हूं, अभी तक क्या क्या सीखा है हमने। अभी तक हमने पेरेंट चेन सिलेक्शन सीखा है, हमने नंबरिंग सीखी, छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स हमको पता थे, डबल बॉन्ड्स वालों की भी नंबरिंग सीखी है। एक छोटा सा रूल क्या बताया था, जब कोई भी चीज दो बार तीन बार आए तो डाई ट्राई ऐसा यूज करना है, ठीक है। डाई ट्राई को नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते वक्त लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है। सिर्फ कब लेना है, जब वो डाई ट्राई एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हो, जब वो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पर यूज हो रहा हो। ये पॉइंट को अच्छे से मार्क कर लेना, क्वेश्चंस कराऊंगा इस पॉइंट्स पे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन कराने के बाद और क्लियर होगा, अभी ज्यादा परेशान मत होना कि कैसे हो गया सर, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना। सब कराऊंगा, मेरे को सब समझ है कि किस किस चीज को कितना कराना है, तो परेशान मत होना बिल्कुल। थोड़ा खत्म होने दो ये पूरी सीरीज को, नोमेनक्लेचर की सीरीज को खत्म होने दो, उसके बाद बताना कितना बढ़िया साउंड एकदम पकड़ बन जाएगा आपका इस पे। ये हुआ, फिर हमने अभी सब्स्टिट्यूएंट खत्म किया। ये जो छोटे मोटे वर्ड थे जो कभी कभार यूज होते हैं, आइजोसेक, नियो, टर्ट, और ये एलाइलिक, बेंजाइलिक, जेमिनल, वेसिनल, इस तरह की चीजें, इनको खत्म की। और अब मैं क्या बोला मैंने कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जो हैं तो फंक्शनल ग्रुप कहने को, बट उनके लिए कभी भी सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता है, हमेशा उनको सब्स्टिट्यूएंट की निगाहों से देखा जाता है। तो चलो लिस्ट बता दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। तो जैसे एफ फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, सीएल क्लोरो, बीआर ब्रोमो, लिखते जाना, आई आयोडो, आयोडो, आयोडियो, आयोडो, एनओ टू नाइट्रो, देन एनओ एनओ नाइट्रोसो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, डाई एजो कम यूज में आएगा बट आएगा आपको लास्ट पार्ट अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब चलेगा तब डाई एजो यूज में आएगा, ये है डाई एजो। देन ओ आर, देखो आर को हम एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, आर को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोक्सी, ये कहलाएगा एल्कोक्सी, यस दिस इज एल्कोक्सी। हमेशा प्रिफिक्स की तरह ही देखें इसे, प्रिफिक्स की तरह ही देखें। इसका एक दो एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो OCH3 कहीं लगा हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे, यस आप इसको कहोगे मिथॉक्सी, इसे आप कहोगे मिथॉक्सी। देन आपने ये यूज किया, सो दीज आर सम ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप्स, दीज आर सम ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप्स विच आर ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज एज अ प्रेफिक्स, एज अ प्रेफिक्स, सफिक्स हैज नॉट बीन अलॉटेड, हैज नॉट बीन अलॉटेड टू दीज ग्रुप्स। बड़ी बड़ी अक्षरों में ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखो अगला टॉपिक डालो, अब अगला टॉपिक डालो रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। वैसे मैंने ये बातें आपको बता दी हैं बट एक बार थोड़ा सा एक फ्रेश पेपर में लिख भी लेना, रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहला रूल लिखो, लिखने नहीं वाला, बोल रहा हूं बस। पहला रूल लिखो, राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रेफिक्स विथ देयर एप्रोप्रिएट लोकेशंस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, सीधी बात। राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रेफिक्स,
इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब वो जो अपना स्केलेटल था उसमें जो सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला हिस्सा था वहां सबको लिखना है विद देयर अप्रोप्रिएट लोकेशंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो कहीं इथाइल लिखा हुआ है, कोई ऐसा कंपाउंड है जहां इथाइल दो नंबर पर है, ठीक है, इथाइल दो नंबर पर है और तुम्हारा मिथाइल जो है, या फिर इथाइल आप सपोज करो इथाइल फोर फोर पे है और दो नंबर पे मिथाइल है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये पहले वाले रूल का क्या मतलब है? चार नंबर पे इथाइल है, दो नंबर पे मिथाइल है, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है। तो जब आप नाम लिखोगे तो पहले किसे लिखोगे, नंबर के हिसाब से लिखोगे या अल्फाबेटिकली लिखोगे? तो यहां सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया गया है कि नंबर वंबर से मतलब नहीं है, कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। मतलब आप उसे भले इथाइल को चार नंबर मिला है, भले मान लो, मैं फिर से बोलूँ, ये मैं कोई कंपाउंड नहीं बना के बता रहा हूं, सिर्फ उस रूल को समझा रहा हूं, समझिएगा बात को। भले इथाइल को चार नंबर मिला है बट लिखते वक्त जब आप नाम लिखेंगे तो नाम में पहले कौन आना चाहिए, फोर इथाइल देन टू मिथाइल, ये बात लिखी गई है। फिर अगला, इफ इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस इन अ मॉलिक्यूल, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस इन द मॉलिक्यूल द प्रेफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज टू इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स इट अपियर्स। द सेम थिंग जो अभी मैंने बताया, डाई ट्राई आप इन चीजों को यूज करेंगे जब वो चीजें एक से ज्यादा बार यूज आई हो। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, इसी में, इसी इसी पॉइंट पर एक चीज आप ऐड करिए। मान लीजिए आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसी में ऐड करिएगा, मान लीजिए आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, अब वो सब्स्टिट्यूएंट में ऑलरेडी एक डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है, उस सब्स्टिट्यूएंट के नाम में है ना, सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई ट्राई अगर ऑलरेडी आ रहा है, अच्छा डाई ट्राई आ रहा है, और वो सब्स्टिट्यूएंट खुद दो बार यूज हो रहा है, टू टाइम्स यूज हो रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट खुद टू टाइम्स यूज हो रहा है और उसके नाम में डाई या ट्राई आ रहा है, देन एग्जाम्पल भी देता हूं अभी, देन वी यूज द फॉलोइंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई। सिंपली तब डाई ट्राई ना यूज करके बेटा ये यूज करते, जैसे डाई है तो हम उसको लिखेंगे बिस, ट्राई है तो हम लिखेंगे ट्रिस, अगर वो टेट्रा है तो हम लिखेंगे टेट्रा किस, पेंटा है तो पेंटा किस। ये बात अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आई हो तो मैं भी फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, चलो एग्जाम्पल लेते, जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करिए दिस एंड हियर यू हैव दिस एंड हियर आल्सो यू हैव दिस। अब आपने, यहाँ इसको थोड़ा मैं चेन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, चेन को बढ़ा देता हूँ सो दैट ये मेरे पास ऐसा कुछ, ये चेन को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है फॉर द रीजन बीइंग कि लॉन्गेस्ट चेन मैं इसी को ले पाऊँ। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको यहां पर दिख रहा है क्या, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विदाउट एनी डाउट ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ओके। एंड नाउ व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स में एक और काम करो, यहां पे ऐसा मारो, ठीक है, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। आप बोल सकते हो सर वो तो टर्ट ब्यूटाइल है, लेकिन अभी टर्ट यूज ना करें, हम आईयूपीएसी के हिसाब से जाएं तब मैं इस रूल की वैलिडिटी आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए आप अगर यहां पे बोलोगे बेटा कि 4 और 6 में, यही बोलोगे ना, 4 और 6 में क्या लगा हुआ है, जैसे आप लिखते थे अभी 2 3 डाई मिथाइल, तो यहां पर 2 3 डाई और अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? तो सर अभी तो सिखाए 1 2 1 2, तो 1 पे 2 बार मिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल मिथाइल,
नो नॉट मिथाइल, डायमिथाइल इथाइल, ये ना डायमिथाइल इथाइल, ये इथाइल और डायमिथाइल, सीधी सी बात। तो 1.2 डायमिथाइल इथाइल। लेकिन अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में भी जब डाई आए, बाहर भी डाई आए, तो इसके लिए रूल बनाया गया है और ऐसे केसेस में आप यहां डाई यूज ना करें। क्या यूज करें इंस्टेड, क्या यूज करें यहां? दो के लिए क्या बताया? बिस। दो के लिए बिस। आई होप आपको ये जो रूल मैंने बताया ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला लिखें, प्रिफिक्सेस। हाँ ये बात मैंने पहले लिख दी है बट फिर से लिख लो। प्रिफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स बट कंसिडर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज, हाँ एक और पॉइंट इसी में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आइजो एंड नियो आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल सीनियोरिटी ऑर्डर। रूल है, कहीं आइजो और नियो को देखना है, अगर मान लो कहीं आपने आइजो प्रोपाइल यूज किया, ठीक है, कहीं आपने आइजो प्रोपाइल यूज किया एक सब्सिट्यूएंट के तौर पे, आपने सब्सिट्यूएंट के तौर पे कहीं आइजो प्रोपाइल यूज किया और कहीं मिथाइल यूज हो रहा है, सो हाउ विल यू कंपेयर देयर अल्फाबेटिकल सीनियोरिटी? सो डोंट जस्ट लुक फॉर पी एंड एम, इंस्टेड आपको इसका एम और इसका क्या देखना होगा? आई। इसका यहां पर लिखा गया है कि आइजो और नियो को आप जब कंपेयर कर रहे हैं, सेक और टर्ट के लिए ये बात नहीं कही गई, ठीक है, आइजो और नियो के लिए आपको ये दोनों टर्म्स को यूज करना है फॉर अल्फाबेटिकल सीनियोरिटी, फॉर अल्फाबेटिकल सीनियोरिटी। लेक्चर 4 में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं चीजों पे बेस्ड, है ना, उस समय आपको थोड़ा और बढ़िया से पकड़ आएगा, समझ आएगा चीजों का, और तो उस समय आपको बनना चाहिए, रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लेना इस लेक्चर के। देन नेक्स्ट रूल, फिफ्थ पॉइंट इज, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई कॉमास। ठीक है, नंबर्स के बीच में कॉमा लगाना है। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफेंस एंड देर इज नो ब्रेक बिटवीन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड वर्ड रूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट और वर्ड रूट के बीच में स्पेस नहीं देना है, लाइक अभी तक जैसा हम लिख रहे हैं इसी तरह से यहाँ पे लिखा भी है, एक दो नाम हमने लिखे हैं ना पीछे, कंप्लीट नेम हमने कहाँ लिखा था, एक ही मॉलिक्यूल का लिखा था ना, ये डबल बॉन्ड वाले का, ये देखिए कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, इसका हमने कंप्लीट नेम लिखा था। तो देखिए ये मिथाइलिडीन या मिथाइलीन जो है ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है और ये वर्ड रूट है, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ये छोटे मोटे नियम है, ऐसे नियमों में आपके ऊपर आपको सवाल नहीं आएंगे इतने ऐसे छोटे छोटे रूल्स पर। ठीक है, तो ये रही भाई नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग हमने ठीक से कर ली, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ठीक से कर ली, अब इन्हीं रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। एक बात और यहां मैं ये बता दूं कि जब इनकी सीनियोरिटी कंसिडर करनी है, इनकी ये जो कुछ बेचारे अपवाद फंक्शनल ग्रुप्स थे, इनकी सीनियोरिटी के लिए भी ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लिखा है मैंने, इनकी सीनियोरिटी भी किससे डिसाइड होगी? अरे सर सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली ही होगी ना। जी हाँ, कहीं एफ और बी आर है तो ये मत सोचना बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एफ है तो एफ को दे देंगे या फिर ऐसा कुछ लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं, अल्फाबेटिकली ही सीनियोरिटी इनकी डिसाइड होगी। तो आई होप आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, बिकॉज शुरू के 2 लेक्चर्स बहुत ही बेसिक थे, आज थोड़ा बहुत हमारी गाड़ी आगे बढ़ी है और लेक्चर 4 में आई प्रॉमिस यू दैट हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोर्स को अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो बिल्कुल जाके कर लें, क्योंकि डिस्काउंट 2-3 दिन और रहने वाला है।
एंड अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स बहुत अच्छे से कर लें अगर आप 23 एस्पिरेंट हैं। 24 वाले बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर को पढ़ाया गया है। आप इधर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करिए, उधर फिजिकल केमिस्ट्री भी अपने से स्ट्रॉन्ग करते जाइए मेरे लेक्चर्स के थ्रू। मैं बता रहा हूँ, जेई एडवांस में आप एकदम टॉप नॉच मार्क्स लेके उठेंगे केमिस्ट्री में। अगर 120 मार्क्स का पेपर होता है मान लिया जाए, तो बिल्कुल आप एकदम 100 प्लस मार्क्स एम कर सकते हैं। और 100 प्लस मार्क्स कोई मजाक नहीं होते हैं, दम लगता है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, उसके बाद ही बनते हैं। ठीक है, चलो फिर फोर्थ लेक्चर में मिलते हैं।